कोरोना महामारी के इस दौर में लॉकडाउन फिलहाल जारी है। लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासियों और मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रवासियों और मजदूरों को उनके घर पर पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में जयपुर जिला प्रशासन की ओर से पश्चिम बंगाल के करीब 1700 से अधिक प्रवासियों और मजदूरों को जयपुर हावड़ा श्रमिक ट्रेन से रवाना किया गया। इससे पहले ITI मणिपार्क शेल्टर होम में थर्मल स्क्रीनिंग उनकी करवाई गई और उनकी जाँच की गई। स्टेशन पर प्रवासी यात्रियों को पानी और भोजन इत्यादि सामग्री भी प्रदान की गई। पश्चिम बंगाल के लिए आज ट्रेन जा रही थी, जिसके लिए 1700 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और लगभग 1672 लोग ITI बनी पार्क में आए। वहाँ इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कराई गई, भोजन इत्यादि दिया गया, पानी इत्यादि दिया गया और उनको 42 बसों के द्वारा यहाँ लाया गया है। क्योंकि 5 बजे की ट्रेन है तो 3 या 3:30 बजे हमको एंट्री मिलेगी, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन से हमारी टीम है, जैसे ही हमको सिग्नल देगी हम इन बसों को वहाँ रवानगी देंगे और वहाँ इनको बाकायदा टिकट दिए जाएंगे और अपने अपने टिकट लेके अपने अपने कोचों में बाकायदा इनको सीट मिली है, एक एक सीटें, और अपने गंतव्य स्थान पश्चिम बंगाल हावड़ा के लिए ट्रेन जा रही है, वहाँ के लिए रवाना होंगे। लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासियों और मजदूरों को घर पहुँचाने का सिलसिला जारी है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मजदूरों को घर पहुँचाया जाए। इसी कड़ी में जो है पश्चिम बंगाल के करीब 1700 प्रवासी और मजदूरों को जो है एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रवाना किया गया है। इससे पूर्व यात्रियों की जो है शेल्टर होम पर स्कैनिंग की गई, इसके बाद इनको रोडवेज की 42 बसों में जो है बैठाकर जो है स्टेशन पर लाया गया और स्टेशन पर यहां पर जो है श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से इनको पश्चिम बंगाल रवाना किया गया है। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण A1 TV जयपुर।